श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है और ये सुल्तानगंज का घाट है, गंगा घाट। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यही घाट है जिसमें आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं कि किया हुआ है और व्यवस्थाएं अभी चल रही है, कुछ दिन शेष हैं अभी श्रावणी मेले की शुरुआत में। इसी गंगा घाट पर श्रद्धालु आएंगे, शिव भक्त आएंगे, यहाँ पर चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था रहेगी, यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था रहेगी। और अभी फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि अभी की स्थिति क्या है, जो घाट पे यदि हम उतरते हैं और आगे हम आपको दिखाते चले कि इस घाट पे पहुंचने के लिए अभी फिलहाल वर्तमान की व्यवस्था यह है कि यहाँ तक तो आप सही आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद काफी नीचे गैप दिख रहा है। पत्थर भी यहाँ से लगातार आपको हम दिखाएं कि पत्थर, नुकीले पत्थर भी हैं, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन अभी की तैयारी ये है कि यदि यहाँ पर प्रशासन अभी देख रही है कि यदि जल स्तर अभी बरकरार रहा तो फिर यहाँ पर जियो बैग लगाए जाएंगे जैसा कहा जा रहा है, लेकिन यदि जल स्तर बढ़ता है और पानी ऊपर आता है तो फिर ये घाट कवर हो जाएगा और कांवरिये यहाँ पर स्नान कर सकेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति को यदि दिखाएं तो अभी काफी मशक्कत जो है वो घाट के नीचे जल तक, गंगा तक उतरने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है, कई खतरे हैं और कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा कि यदि अब मेला शुरू होने में मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ है, यदि ये स्थिति रहती है तो युद्ध स्तर पर काम करना होगा और जियो बैग की वो व्यवस्था या फिर प्रशासन जिस तरह से उचित समझे, लेकिन इस पर वो कांवरियों के लिए विशेष ध्यान की जरूरत। पानी कम है, पिछले साल में पानी इस समय में थोड़ा ज़्यादा था, तो जिसके कारण जो सीढ़ी पर पानी आ जाने से श्रद्धालुओं को सुविधा होती थी। इस बार नीचे रहने के कारण जो जहाँ पे निर्माण वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर पत्थर वगैरह है, तो वहाँ हम लोग जियो बैग डलवा देंगे ताकि जो है श्रद्धालुओं को पानी में नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो। बैरिकेडिंग लगभग में कम्प्लीट हो गई है और इसको लेकिन फिर शिफ्ट करना पड़ता है, जैसे पानी बढ़ेगा तो बैरिकेडिंग ऊपर करना पड़ता है और जहाँ भी जो आवश्यकता पड़ेगी और जिस घाट को ऐसा लगेगा कि वहाँ पानी अचानक से बहुत ज़्यादा गहरा हो जा रहा है, जैसे अभी हम लोग पुराना जो सीढ़ी घाट है वहाँ एक घाट को खतरनाक घाट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, वो तो पानी का जैसा उतार चढ़ाव होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा और उस फ्लड कंट्रोल जो डिवीज़न है भागलपुर का वो लगातार तत्पर है, वो सारी व्यवस्थाएँ सब ध्यान रखना होगा कि जो निर्धारित स्थान है, जो निशान बना हुआ है, जो बैरिकेडिंग है, उसके आगे कोई भी श्रद्धालु या कोई भी स्थानीय लोग नहाने न जाए। SDRF वगैरह की टीम हम लोगों की रहती है, लेकिन सुरक्षा ही जो है वो सबसे बड़ा जो है बचाव है। हम लोग तैयारियां अंतिम चरण में है, 4 तारीख को उद्घाटन होना है और सावन महीना की शुरुआत हो रही है और आप लोग देख रहे हैं कि सभी विभागों की तैयारियाँ पिछले लास्ट चरण में है, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है और सारे विभाग के पदाधिकारी लगातार इस पर तत्पर भी हैं, जहाँ जो समस्या आ रही है उसका निराकरण भी किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे वातावरण में, क्योंकि इस बार मेला की अवधि 2 माह रहेगी तो बहुत बढ़िया तरीके से मेला संपन्न होगा। उस पर काफ़ी भीड़ भी होने की संभावना है क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है बारिश के कारण, तो सारी तैयारियाँ चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज़ से हो, ट्रैफिक के हिसाब से हो, श्रद्धालुओं के आवासन के हिसाब से, जो रेन शेल्टर हम लोगों का धांधी बलारी में बनता है वो भी कंप्लीट हो गया है, उसके लिए भी एजेंसी पर्यटन निगम की तरफ से लगा दी गई है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।